गाइज वेलकम टू माई चैनल एंड आज का जो मेरा वीडियो होने वाला है इसमें मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या स्टफ मैं अपने बैग में रखती हूँ एंड आई होप कि आप सबको ये वीडियो अच्छा लगेगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना एंड अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक कर नहीं किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को भी एक लाइक कर देना। और डेली तो मैं अपना बैग कैरी नहीं करती, बस कभी कभी मैं अगर ट्रैवलिंग के लिए कहीं पर जाती हूँ तो सिर्फ तभी मैं अपना बैग को लाइक कैरी करती हूँ। और मैं सब कुछ बताऊंगी कि क्या क्या है मेरे बैग में। और ये रहा मेरा बैग, तो ये पिंक कलर का है और ये मेरी नानी ने मुझे गिफ्ट किया था, तो मुझे ये बैग काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है एंड काफ़ी ज़्यादा स्पेशल भी है मेरे लिए बैग। सो या और पूरा मैं आपको सब कुछ बताऊंगी कि क्या क्या है इसके अंदर। सो गाइस सबसे फर्स्ट थिंग है वो है ये मास्क, और मैं हमेशा अपने बैग में एक एक्स्ट्रा मास्क रखती हूँ और सैनिटाइज़र और मास्क हमेशा मैं बाहर ही रखती हूँ, कभी अपने बैग में नहीं रखती, बट एक एक्स्ट्रा मास्क हमेशा मैं अपने बैग में रखती हूँ। सो यार ये मेरे पास एक एक्स्ट्रा मास्क है, तो कभी बाय चांस में अगर मास्क भूल जाऊँ तो मैं इस मास्क को यूज़ कर सकती हूँ। नेक्स्ट थिंग है मेरे बैग में वो है ये गम्स, तो कभी मेरे पास मिंट्स रहते हैं या कभी गम्स हमेशा मेरे बैग में रहते हैं बिकॉज मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और कभी भी मैं कभी ट्रैवलिंग करती हूँ तो हमेशा मुझे अपने ये हमेशा मेरे पास रहते हैं। तो या फिर उसके बाद ये है एक छोटू सी आउल वाली डायरी, और काफ़ी क्यूट लगती है मुझे ये डायरी एंड इसमें मैं अपने वीडियो के आइडियाज़ लिखती हूँ और जो भी वीडियो से रिलेटेड जो भी मुझे लाना रहता है वो सब कुछ मैं इसी में लिखती हूँ। एंड या और ये मैंने अपने एक हॉल वीडियो में भी बताई थी, लास्ट हॉल वीडियो में, स्टेशनरी हॉल वाले वीडियो में। सो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और काफ़ी अच्छी लगती है मुझे ये डायरी। तो जो नेक्स्ट थिंग है वो है ये फेशियल वाइप्स, तो पूरे इसमें 25 वाइप्स हैं और मैं इन वाइप्स को तब यूज़ करती हूँ जब भी मैं अपने मेकअप अप्लाई करती हूँ, तो जब भी मैं पार्टी वगैरह में जाती हूँ वहाँ से आके मैं इसे यूज़ करती हूँ, और जब भी मैं अपने वीडियोज़ को शूट करती हूँ तो मैं थोड़ा मेकअप अप्लाई करती हूँ तो तभी भी मैं इन्हें यूज़ करती हूँ। बाकी ये डेली मुझे यूज़ में नहीं आते क्योंकि मैं डेली मेकअप नहीं करती। एंड या और अभी समर्स का भी सीज़न आने वाला है तो काफ़ी यूज़फुल रहेंगे ये। ओके गाइस देन जो नेक्स्ट थिंग है मेरे बैग में वो है ये कॉम्ब, तो कभी भी अपने बालों को सेट करने के लिए मैं हमेशा एक कॉम्ब रखती हूँ अपने पास, और ये मैं डीमार्ट से लाई थी। सो या देन जो नेक्स्ट थिंग है वो है ये हिमालया के लिप बाम, तो ये मिनी लिप बाम है, मैं इसको रिसेंटली लेके आई थी कल परसों ही, और मुझे काफ़ी अच्छी लगी एंड जिसकी क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छी है, काफ़ी चीप भी है, तो अगर बाई चांस कभी घूम भी जाएगी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है एंड बैग में कैरी करने के लिए तो बहुत ही आसानी से हम इसे कैरी कर सकते हैं। एंड मुझे तो बहुत अच्छा लगा इसके यूज़ करके, तो अगर आप लोगों को भी कोई अच्छा लिप बाम चाहिए तो आप इस लिप बाम को डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। ओके देन द नेक्स्ट थिंग है वो है ये परफ्यूम, सो ये एंगेज का परफ्यूम है और हमेशा मैं अपने बैग में परफ्यूम भी कैरी करके रखती हूँ एंड काफ़ी छोटू सा परफ्यूम है तो ज़्यादा बड़ा भी नहीं है और मुझे तो काफ़ी अच्छा लगता है, इसकी स्मेल भी बहुत अच्छी है। ओके देन जो नेक्स्ट थिंग है वो है ये क्यूट सा फ्लेमिंगो वाला पेन, तो डायरी है तो पेन की तो ज़रूरत पड़ेगी, तो मेरे पास ये एक पेन, और कभी भी अगर मुझे पेन का यूज़ रहता है तो मैं हमेशा एक पेन अपने पास हमेशा रखती हूँ। एंड मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूँगी कि आपको हमेशा अपने पास एक पेन रखना चाहिए बिकॉज पेन काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहता है, कभी भी इसका यूज़ आ सकता है। सो या और काफ़ी क्यूट लगता है मुझे ये। जो नेक्स्ट थिंग है वो है ये डायरी एंड इसमें मैं सब कुछ लिखती हूँ जो भी मेरे साथ दिन भर में होता है, और मैं आप लोगों के साथ एक टिप शेयर करना चाहूँगी, तो अगर आप लोगों को बहुत किसी चीज़ का स्ट्रेस है या किसी भी चीज़ का आपको प्रॉब्लम है तो जो भी आपको प्रॉब्लम है वो आप इस डायरी में लिख सकते हैं, और किसी भी डायरी में लिख सकते हैं, और उसके बाद आपको काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स्ड फील होगा, और आपको इस टिप को ज़रूर ट्राई करना चाहिए, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा इस टिप को फॉलो करके। तो कभी मुझे यूट्यूब का स्ट्रेस रहता है या कभी मुझे स्टडीज़ का स्ट्रेस रहता है तो मैं सब कुछ इसमें लिख देती हूँ, मुझे काफ़ी हद तक रिलैक्स फील होता है, तो अगर आप लोगों को भी इस टिप को फॉलो करना है तो ज़रूर कर सकते हैं, बहुत अच्छी टिप है। ओके देन जो नेक्स्ट थिंग है वो है ये प्लानर, तो हमेशा मैं अपने पास अपना प्लानर रखती हूँ, तो इसमें मैं अपने हमेशा की प्लानिंग करती हूँ, और मैंने इसका पूरा एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है इसकी पूरा रिव्यू पे, तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं एंड मुझे प्लानर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है।
देन गाइज जो नेक्स्ट थिंग है मेरे बैग में वो है ये बुक। सो मैं अभी से रिसेंटली ये बुक लेके आई थी और मैंने इसे पूरी हाफ बुक को रीड कर लिया है एंड मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इसे पूरा कंप्लीट करने के लिए। तो कभी भी हम लोग मैं कभी बोर होती हूँ और मैं फ़ोन ज़्यादा नहीं यूज़ करती ट्रैवलिंग के टाइम पे, तो इसके लिए मैं कभी बुक्स रीड करना पसंद करती हूँ और ये बुक काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इसे ख़त्म करने के लिए। गाइज जो नेक्स्ट थिंग है मेरे बैग में वो है ये कुछ टिश्यूज़। सो टिश्यूज़ मैं हमेशा अपने बैग में रखती हूँ, कभी बाई चांस मुझे टिश्यूज़ का यूज़ हुआ तो ये मैजिक टिश्यूज़ हैं, मैंने अपनी अमेजोन हॉल वाले वीडियो में इन्हें दिखाया था और बहुत अच्छे हैं ये एंड इनकी स्मेल भी बहुत अच्छी लगी मुझे। तो मेरे पास टोटल 3 है, बाकी मैं हमेशा ख़त्म कर देती हूँ इन्हें, बहुत अच्छे लगे मुझे ये। एंड जो लास्ट थिंग है मेरे बैग में वो है ये हेयर टाई। तो कभी भी मुझे मैं अपने बाल ऑलमोस्ट टाइम बांध के ही रखती हूँ, बट बाई चांस किसी दिन मैंने अपने हेयर्स को ओपन करके रखा है तो हमेशा मेरे पास एक रबर बैंड रहता है। और या तो एक प्लेन बेसिक ब्लैक कलर का रबर बैंड है और बस यही सब कुछ मेरे बैग में रहता है, ज़्यादा कुछ भी नहीं रहता। मैं कोई भी मेकअप प्रोडक्ट कैरी नहीं करती, बस कभी अगर मुझे किसी पार्टी वगैरह में जाना है सिर्फ तभी मेकअप यूज़ करती हूँ या वीडियोज़ शूट करना तभी। और बस मेरा पूरा बैग खाली हो चुका है एंड आई होप कि आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और मैं अगर आपको एक सेपरेट वीडियो चाहिए कि व्हाट्स इन माई एमरजेंसी किट, सो वो वीडियो आपको चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड या अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू गाइज, लव यू ऑल, बाय बाय।